संचालन है महत्व निर्धारण भवती। तो प्राय पाप तो पापम किम पापम पातक पातक शब्दस्य पर्याय रूपेण ज्ञायते। पाप मुक्त यदि कश्चित जनः किमपि पापं करोति तर्हि पाप मुक्ति तु स्यादेव। अतः पाप किम तो पापं जनः अज्ञाता एव करोति मनसा न करोति किन्तु यदि अज्ञानता अनुसार भवति पापं तदापि तस्य समाधानं कर्तुं शक्यते। यदि प्रायश्चित्तं विनैव किमपि कार्यं भवति तर्हि कर्म विषये निर्धारणं भवति। यदि प्रायश्चित्तं जनः न करोति तदा किं भवति राज्यवर्गः कथयति प्रायश्चित्तम् अकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः अपश्चात्तापिनो अपश्चात्तापिनः कष्टान् नरकं यान्ति दारुण नकारोति पश्चाता तुमको मद्य भी प्रिय है तुम शराब तो चाहते हो
वो क्या कहता है, भावांगना ही सह, भावांगनाओं के साथ मैं शराब पीता हूँ। शराब पी लेने से सुंदरी की आवश्यकता पड़ जाती है ऐसे लोगों को। तब यह प्रश्न पूछता है, धर्म 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 तो की बारंगना जो है वह तो धर्म अर्थ रुचि है, उसको तो अर्थ चाहिए। अर्थ रुचि धनम, तुमको धन कहां से आता है, एशिया धन चाहिए। कथा जीचेन चोर देन वा, मैं जुआ खेलता हूँ चाहे चोरी करता हूँ। तो फिर प्रश्न पूछता है, जो जब युद्ध परिग्रह हो भी भक्तो, क्या तुम चोरी भी करते हो और जुआ भी खेलते हो? तो कहता है नष्ट से कान्या गति, नष्ट की क्या गति है, जो गिर गया है आदमी उसके लिए तो सब कुछ संभव है। तो ये ब्रह्मत्या सुरापानम अस्तेयम, अस्तेयम है चोरी, मुख्य रूप से सोना की चोरी। गुरुंगना, गुरुजन की अंगना के साथ गमन करना। गुरुजन केवल गुरु की पत्नी नहीं है, पिता की पत्नी अर्थात विमाता या माता भी, बहन, भतीजी, मौसी, फूआ, पिता सर्वा गुरुजन रूप है ना स्मर्जन थे। यदि कश्चन गमनम करोती सब महापात की विद्य थे, तो महापातकम कुर्जात इत्यर्थम, यदि कुर्जात दरिद्रस्य पापस्य परिष्कार है, परिहार है, भवत्येव होना ही चाहिए कि पाप जो कर लिया है, मैंने शराब सेवन करता है, मद्य पीता है, गुरु पत्नियों के साथ समागम करता है, ये जो महापातक है, तो सोना की चोरी करता है, जो चोरी ही पाप है, उसमें सोना की चोरी यदि हो गई वह महान अर्थक है। इसी तरह से कोई को हत्या कर लेता है, अतिपातक मार जाता है, वो हत्या कर लेगा, छिपा लेगा, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, छिपा लेता है, उसका परिणाम भी भयंकर होता है, समाज में ऐसा देखा गया है, तो यह नहीं होना चाहिए। इसलिए और प्रायश्चित नहीं करेगा और पाप करता रह जाएगा, तो सबसे जो विषम नरक है रौरव नरक, उसमें उनको जाना पड़ता है। तो नरक में नहीं जाना पड़े इसलिए प्रायश्चित कर ले। तो वही प्राय है पाप का और चित्त है विशोधन के अर्थ में, तो पाप का विशोधन हो जाए तब लोग किसी काम में प्रवृत्ति हो। किंतु धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि देश काल प्रस्थित वसात धर्मशास्त्र वाला काम होता है समाज में। और अभी मांग सेवन के बारे में कहा गया है, मांग सेवन पश्चिम भाग में, बिहार से पश्चिम भाग में वह निंदनीय है मांस का सेवन, किंतु मिथिला में सेवन होता है, धरल्ले से सेवन होता है, इसको धर्म माना गया है। यहाँ वैष्णव व्यक्ति भी यदि मर जाए, विधवा हो जाए, जिसके लिए मांस वस्तु सब निषिद्ध है, तो उसके श्राद्ध में श्राद्ध कर्म में बिना मछली का काम हो ही नहीं सकता है, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाएगी ऐसा माना जाता है। तो वो विधवा मांस नहीं खाती है, जो वैष्णव लोग नहीं खाते हैं, तो उनको भी श्राद्ध कर्म में मिथिला में मछली दिया, मछली मन भोज में नहीं भी दीजिए, लेकिन श्राद्ध कर्म में आपको देना है। तो जैसे दक्षिण मातुली कन्या, दक्षिण में मामा की बेटी से शादी होती है, धारण से शादी होती है, अच्छा माना जाता है। तो
दक्षिणे माधुरी कन्या मिथिलाया मत्स्य भक्षणम। यह मत्स्य भक्षण होता है हमारे जो मिथिला के धर्म शास्त्रकार है मनुस्मृति पर भी इनकी टिप्पणी हो गई है, उसको भी परिष्कार करके कहते हैं मन भी कहते हैं न मांस भक्षणे दोषो न मध्य न चुने वृत्ति रेखा भूताराम निवृत्त महाफला। मांस आदि का सेवन करना, मांस का सेवन करना कोई दोष युक्त नहीं है। यहाँ प्रचलन है कि मांस लोग खाएंगे, यदि दुर्गा पूजा के समय में बलि प्रदान होता है उसको नहीं खाने वाले ही पाप युक्त हो जाते हैं, उसको प्रसाद कहा जाता है, लोग तो प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो जिस प्रकार पश्चिम में या दक्षिण में मामा की पुत्री से शादी होती है और अच्छा माना जाता है, हम जानते हैं कृष्ण ने अपनी बहन से अर्जुन की शादी करा दी। अर्जुन साक्षात फुफेरे भाई थे, फुफेरे भाई थे, ममेरी ममेरी बहन की शादी हो जाए यह तो सरकार संगत है, लेकिन वहां प्रचलन है, दक्षिण में प्रचलन है। करुणा 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 करुणस्य केरल मुख्यमंत्री ना करुणा करुणस्य विवाह है मातुलस्य कन्या सह। अतः कापि आपत्ति समाधि न होता, किंतु यदि एकादशी परिस्थिति मिथिलायाम आयाति तभी मत संकट संकट सुधर जाए थे। अतः यदि एकादशम कारण को भी करो कि सौदृत भाग भगवती माध्यमिन संहितायाम आम अश्मी अतः मूर्धन्य स्थाने कदाचित खो इत्यस्मिन अतः स्वयं विचार यंतु खो अनिवार्य विद्यते माध्यमिन शाखायाम सौ इत्यस्य उच्चारण न सैत खो इत्यस्य उच्चारण भवे अतः खो इत्यस्य उच्चारण मया क्रियते एवं प्रायश्चित्तं कृत्वे कश्चित् जनः कस्मिन् अपि धर्मकार्ये प्रवृत्तः भवतु इति शास्त्रस्य व्यवस्था वर्तते। द्वेषकाल परिस्थिति वशात् धर्मशास्त्रे परिवर्तनं भवति, यथा दक्षिणे मातुलिकन्या मिश्रायां मत्स्य भक्षणं तु मया कथितमेव। अनेन प्रकारेण समाजे कश्चित् मानवस्य उपनयनं भवति। राजवंश्य कथयति यत् ब्राह्मणस्य पञ्चदश वयसं यावत् एव उपनयनं भवतु, क्षत्रियस्य एकोनविंशति वर्ष पूर्वम् एव उपनयनं भवतु। एवमेव यस्यापि व्यवस्था वर्तते, किन्तु अस्मिन् समये एतादृशः कोऽपि नियमः नास्ति। कन्यादान व्यवस्था वर्तते, शास्त्रं कथयति, प्रातः स्मृतौ कथितम् अस्ति यत् अष्टवर्षा भवेत् पूरी नववर्षात् रोहिणी दश वर्षा भवेत् कन्या तत्पूर्वं यदस्वरा माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च गृहस्थे नरकन्यां दृष्ट्वा कन्यां रजस्वरां। तस्मिन् समये प्राचीनकाले भारतस्य या राजनैतिक स्थितिः आसीत् किं वा सामाजिक स्थितिः आसीत् तदवीक्ष्य प्रारंभिक काले एव विवाह भवति स्म, यतः पाश्चात्य देशेषु तु नहि इस्लाम धर्मस्य यदा अत्र प्रचारः भवति, इस्लाम शासकः
अत्याचार रूपेण रावणस्य सप्तवर्षां कन्यां गृहीत्वा तथा पलायितः प्रयास अत्याचार कृतः एवं नवोद समाजे एतदर्थम् अत्र कथितम् यत् कन्या जरा लज्जाम् अनुभवति तदैव तस्या विवाह भवतु किन्तु अस्मिन् समये तदानीं यमे व्यवस्था आसीत् यत् अत्यन्ते बालिकाया विवाह भवति स्म किन्तु शारदा एक्ट द्वारा अत्र व्यवस्था एतादृशी कृता यत् नहि अष्टादश वर्ष पूर्वं विवाह न भवितुं शक्यते कन्याया विवाह अष्टादश पर्यन्तं सम्प्रतं केन्द्र सर्वकारेण एकविंशति वर्षं तावत् विवाह न कर्तुं शक्यते अर्थात् एकोनविंशति वर्षे एव कन्याया वर्षः विवाह कर्तुं शक्यते एवम् अस्माकं किमेव कर्तव्यं यत् जातिषी व्यवस्था वर्तते अत्र सर्वकारेण शासनेन जातिषी व्यवस्था कृता तदेव अनुसर्तव्या अतः दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलां रजस्वलां पुत्रीं दृष्ट्वा पिता धन्यवान् भवति माता धन्यवान् भवति ज्येष्ठो भ्राता धन्यवान् भवति इदं व्यवस्था साम्प्रतं किमपि कार्यकरी न भवति अतः देशकालपरिस्थित्यनुसारेणैव किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते कार्यं च अस्माभिः अतः प्रायः चित्तं पापद्वयस्य व्यवस्था इयं वर्तते पापस्य विमुक्तिः स्यादेव अन्यथा धर्मकार्ये व्यवधानं भवति न कोऽपि कार्यं कर्तुं प्रभवति अतः प्रायश्चित्तं करणीयम् एव न हि करणात् समाजे दुर्व्यवस्था भविष्यति अतः किन्तु अज्ञात्वा परिस्थितिः कीदृशी विद्यते अस्माकं किं कर्तव्यं मूलवशात् दुर्भावनावशात् कामवशात् या कोऽपि किमपि जघन्यं कर्म करोति तत् न करणीयम् इति विचारे प्रायश्चित्तव्यवस्था धर्मशास्त्रे कृता धर्मशास्त्रे मिथिलायां धर्मशास्त्रस्य विवेचनं सम्यक् रूपेण प्राचीनकालादेव प्रकृतं वर्तते धर्मस्य निर्णययोग्ययो मिथिला व्यवहारतः शास्त्रिमहोदयाः भवन्तः शृण्वन्ति न शृण्वन्ति भवन्तः हेलो जी जी सुनाई पड़ रहा है ठीक से बोलिए जी आप गुरु जी पूछ रहे थे आप जवाब नहीं दिया दिया नहीं तो नहीं नहीं ठीक से सुनाई पड़ रही है श्रूयते एवं एवं श्रूयते चिन्तनं प्राचीनकालादेव मिथिलायां दृश्यते अतः धर्मस्य निर्णययोग्ययो मिथिला व्यवहारतः काशीस्थ काशीस्थ विदुषा कमलाकरभट्टेन निर्णयसिन्धु ग्रन्थः विचितः तत्र तत्र इति मैथिल निबन्धग्रन्थे प्राचीनवचनस्य समीक्षा भवति
तो समीक्षा करने गौलाकर बच्चा जाना हेतु जब विधवाया व्यवहार है अच्छा विद्युत अगर इसी मैचन है इसी मैचन है इसी मैचन है अनेक स्थान है महाकवि विद्यापति का लिखा हुआ एक निबंध ग्रंथ है दुर्गा भक्ति के क्रम में कैसे क्या विधान होना चाहिए कैसे पूजा हो इस विषय में दुर्गा भक्ति चरंगिनी केवल संजोग से तो संजोग से सभी विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। तो विद्यापति ने इस पर बहुत अच्छा विचार किया है और कमलाकर भक्त जी को माना है इसलिए धर्म से इतना जो कहा गया उसमें तथ्य है मन ने जाजीवन स्मृति ने अनेक धर्म शास्त्रकारों का उल्लेख किया है मनवती दुष्ट हारी तो जाजीवन क्यों श्रोन गिरा उच्चतम स्थाने विद्यते एकादोषी अवगत राजा जनक की सभा में देश के सभी भागों से विद्वान आए थे। वहां कहा गया जो सबसे बड़ा धर्म के सबसे अधिक जानने वाले जो हो इन गायों को ले जाए गाय के खून में पीठ पर सोना मरा हुआ था। सभी विद्वान एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा इन सभी गायों को ले जाओ। ये जो गाय लेकर जा रहे थे तो बड़ा हल्ला हो गया क्यों सबसे बड़ी प्रतिष्ठा थी है क्योंकि की घोषणा थी। तो सभी लोगों ने कहा कि ठीक है इसमें साक्षात हो जाए। जागीवन से सभी विद्वानों का साक्षात हुआ जागीवन इसमें विषयी हुए। तो मिथिला में जो धर्म प्रवर्तन है धर्म प्रचलन है धर्म की का विवेचन है वह है लोगों को मानना है कि धर्म से निर्णय योग्य मिथिला व्यवहार है यह वैसे भी नहीं कर दिया गया है। इसमें तथ्य है संपूर्ण देश में प्रचलन है सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों में देश में सर्वत्र इस पर विवेचना होती है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो तथ्य है तो मिथिला की जो परिस्थिति है एक तो देश का परिस्थिति पर जैसे अभी 8-9-10 वर्ष की कन्या के विवाह के विषय में कहा गया है उपनयन के बारे में कहा गया है 15 वर्ष तक उपनयन हो जाना चाहिए 20 वर्ष तक हो जाना चाहिए उपनयन और हो गया है। उपनयन का अर्थ है रोज कर्णम तत्र तत्र या कोई भी क्योंकि खादती रोजे पश्चात गंतव्यम भवती सोपी भोजन आयोजन करो तो सर्वान जनान अपेक्षित जनान आहूय तो सर्वे आहूता अत्र स्वागत सत्कार पूर्वक भोजन कुजुरु। तो साधक इसी तरह के साधन में साधन भी लोग अनेक प्रकार के निर्माण करते हैं सब जगह अलग अनेक तरह से साथ होते हैं। तो जब हम जागीवन की स्मृति पढ़ते हैं जागीवन की स्मृति में मनु का भी परिष्कार कर दिया गया है। तो साध्य के विषय में हो
संस्कार के विषय में हो या धर्मशास्त्री अन्य जो विषय है, सब में मिथिला को देखा जाता है और मिथिला के सिरमौर है जागीवल की है। तो जागीवल के लिए बहुत कुछ विचार किया है सब चीज पर अपने, इनकी जो स्मृति है जागीवल की स्मृति, उसमें आचाराध्याय व्यवहाराध्याय अंतिम में प्राश्चिकाध्याय। तो महापातक अतिपातक उपातक जितने पाप है, पाप करके लोग नहीं समझते हैं कि चुपचाप कर लेते हैं, लेकिन चुपचाप चुपचाप कर लेने से पाप को हम नष्ट तो नहीं कर सकते हैं। कि पाप अपराध है कि कभी भी संकटे अपराध कर लिए, अपने मन में ही शंका होती रहती है क्या कर लिए। तो इसका निराकरण जो होता है, परिहार होता है, वह प्रायश्चित है। और प्रायश्चित तो कर ही लेना चाहिए, इसीलिए सर्वत्र देश में सर्वत्र प्रायश्चित की व्यवस्था है। मिथिला में जो विशेष रूप से है, अब कोई साथ नहीं करता है माता पिता का, मान सब में समाज विरोधी है हुआ, तो उसके लिए व्यवस्था है कि कैसे प्रायश्चित करेगा हुआ, कैसे पाप मुक्त हो, इसकी व्यवस्था सब में है। उपनयन विवाह संस्कार सामाजिक व्यवस्था कानूनी व्यवस्था सब में है। और समाज में अब एक ही शपथ दो प्रकार के होते हैं, आर्मी कोर्ट में जाकर लोग शपथ लेते हैं मैंने ऐसा जगह काम नहीं किया है। मिथिला में आप श्रीमान शायद जानते होंगे, जहाँ मिथिलेश हर सिंह देव थे, करनाल बंसी राजा थे, मिथिलेश थे, मिथिलेश ने देखा कि समाज में विकृति आ गई है। क्या विकृति है, आप सभी यह जानते होंगे, शास्त्री जी आपके साथ जितने गवेषक है, मिथिला में एक बार ऐसा हुआ, महावीर उपाध्याय हरिराम झाराम के बहुत बड़े धर्म शास्त्री विद्वान थे। अच्छा। समाज में जो होता है, एक पंडित का दोषी दूसरा पंडित हो जाता है, दूसरे का उत्कर्ष दिखा नहीं जाता है। तो महापाध्याय हरिनाथ झा की जो उपलब्धि थी, उससे सभी रुचि चलते थे। अच्छा। अब किसी तरह से हरिनाथ उपाध्याय को नीचे गिराया जाए, कैसे गिरेगा। तो इनकी चूंकी पत्नी रोज महावीर मंदिर जाती थी दर्शन करने, किसी चांदार को कहा गया, चांदार है सजनागामी, अपने लोगों के साथ यदि कोई व्यक्ति दुराचरण करता है वह चांदार है। तो कहा गया कि चांदार को या जघन्य कर्म करने वाले कि तुम हरिनाथ उपाध्याय की पत्नी को दूषित कर दो। यह गया तो इनकी पत्नी दर्शन करने गई, वहां से आज मंदिर में ही हम पकड़ ले, तो कांपने लगी। इसी बीच में शिवलिंग का जो अपना प्रवेश है, उससे एक भयंकर सर्प निकला, उसने चांदार के पैर को छान लिया, छान लिया, गुलाब करने लगी। और इस स्थिति में डर गया, आ गया, बाहर चला गया। अच्छा। और बाहर चला गया, सब भी पंडित पत्नी को छोड़कर चला गया। और गांव में आकर उसने प्रचार कर दिया कि पंडित जी की पत्नी को मैंने दूषित कर दिया। अब पंडितों में खुशी की लहर आ रही कि चलिए अब तो पंडित जी को हम गिरा देंगे। तो इसके लिए एक दिव्य की व्यवस्था हुई, समझिए कि दिव्य हो गया, भले सामान्य जो शपथ होता है उससे पृथक है, उसमें गाय गोबर से लिपा जाता है, उसमें जो प्रायश्चित होता है, जो पापी होता है उसके हाथ में पीपल का पत्ता दिया जाता है, उसमें अग्नि का एक खंड दिया जाता है, एकदम जल रहा है अग्नि,
तो पंडित हरिनाथ की पुत्री पत्नी के हाथ में भी ये सब किया गया। बहुत पंडित लोग जमा थे जी। और संकल्प लिया गया कि नाही नाही चरणलाल गमिनी, मैं चरणलाल के साथ मैंने गमन नहीं किया है। इनका हाथ जलने लगा। ये जो दोषी पंडित थे सभी क्यों जो ताली बनाने लगे, वो आपा हो गया आज पंडित जी फंस गए नीचे। जब बहुत रोने लगी, इससे तो बात नहीं किया था, लोगों ने आरोप लगा दिया था। तो एक नैयायिक थे वहां बैठे हुए, नैयायिक को डर आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संकल्प देता हूँ, उस संकल्प को याद पढ़े। तो हाथ में जो अभिखंड था उसमें नैयायिक ने जो रहा नाम प्रत्यतिरिक्त चांदार नामिनी, मैं पति के अतिरिक्त किसी चांदार के साथ ग्रहण करने वाली नहीं हूँ। सन्नाटा आ गया कि पति चांदार है। अब खोज शुरू हुआ। खोज में निकला कि अपने चचेरे भाई की नतनी के साथ पवित्री के साथ इन्होंने ब्याह कर लिया था। तो चांदार है, सजना जानी है, मिथिला धर्मशास्त्र के अनुसार, चाहे मिथिला में जो प्रचलन है उस हिसाब से है कि मातृता पंचमी त्यक्त्वा पितृता सप्तमी भजे। श्रीमान आप जानते हैं पहले सप्तमी चरित था, किंतु मामोपाध्याय निवेशता रूप से मिथिला राज्य के प्रवक्ता थे। इसमें विश्वविद्यालय है तो महेश ठाकुर जी के पूर्वज थे। उन्होंने समाज को देखकर निश्चय किया कि नहीं, सप्तमी तदेश को छोड़कर सप्तमी भरित होना चाहिए। सप्तमी भरित हो गया तो छह पीढ़ी तक तो शादी नहीं हो सकती है। और हरिनाथ उपाध्याय का जो विवाह हुआ था अपने चचेरे भाई की नतनी से, चचेरा भाई तीसरे स्थान पर जाता है क्योंकि दोनों के पितामह एक है। पितामह हुए, पिता चाचा हुए, उनके पुत्र पुत्री, उनकी पुत्री भाई तीन हो गया, चौथे नंबर पर आ गई उनकी पुत्री पवित्री अनर्थ हो गया। हर सिंह देव ने व्यवस्था दी कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, अब पंजी व्यवस्था हो, मिथिला का धरोहर है यह पंजी। बिल्कुल सही। संस्कृत विश्वविद्यालय में पंजी पर एक हस्तलेख था। दुर्भाग्यवशात किसी समय इसको किसी चोर ने उठा लिया। अरे राम। हाँ, किंतु यहाँ आज तक यह काम चल रहा है, इसके लिए पंजीकार आते हैं। सामान्य रूप से पांचवें स्थान को छोड़कर छठे स्थान में ही मातृपक्ष में विवाह हो सकता है और पितृपक्ष में छ को छोड़कर। इसके लिए हुआ कैसे होगा, तो उस समय जो पंडित लोग थे मिथिला में कहा गया कि आपके पूर्वज जहां तक आपको याद है उसका एक बनाइए, कम बनाइए। और उस समय सभी पंडितों ने मिलकर जो कहा कि हमारे पिता पितामह प्रपितामह प्रदत्त पितामह अतिम प्रपितामह उनके पिता क्योंकि मिथिला में प्रचलन है कि कन्या की कन्या के प्रपितामह के जो प्रपितामह थे उनके उनकी संतान के रूप में वर नहीं हो, इसको देखने वाला कौन होगा। उस समय के पंडित थे, कुछ पंडितों को भार दिया गया। ये बड़ा प्रायश्चित का विषय था कि अपने लोगों से शादी हो जाए और वो चांदार हो गया, चांदार को तो चांदार का पंडित है कोई पीछेगा। तो इसके लिए जो पंडित वहां थे उनको बताया गया पंजी का, जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं, ये लोग रजिस्ट्रार हुए और मातृता पंचमी मातृपक्ष पंचम स्थान परित्यज्य
विवाह सात पितृपक्ष है, सप्तमस्थ है, यह कोई बड़ा है, तस् विवाह भवतु। एतदर्थं विचारायां पंचिका व्यवस्था विद्यते। पूर्वं महाराज दरभंगा महाराज पक्षतः है, एतदर्थं आज्ञा मिलति अस्म पंचिकायस्य। या श्रुति विद्यते कि सूच्यन सारे नहीं हो विवाह भवतु यस्मिन् कश्चित् मुनिः कश्चित् नास्ति स्थाने गत्वा यम यम कमिति पदम् आनयतु विवाहं कारयतु एतादृशी व्यवस्था आवश्यक। तो जिस किसी को लाए हम विवाह करा देंगे, केवल वो चीजें लिख लेंगे, आज ही है कुछ कुछ, लेकिन व्यवस्था थी कि पंचिका ने जो लिस्ट बनाया है उसमें यह पद आता है, आती है और उसके बाद वो परमिशन देते थे। इसको परवानगी कहते थे। परवानगी जब आता कर तब पंजीकार सिद्धांत करते थे, उनका ही लिखा हुआ सूची लिखी हुई है, किंतु वो भी राजदरबंगा की आज्ञा से सिद्धांत करते थे। सिद्धांत में 16 पीढ़ी तक देखा जाता है, इसे खुड़ा कहते हैं। 16 पीढ़ी तक विवाह नहीं होना चाहिए, व्यवस्था थी। अगर इसमें गड़बड़ी है तो परिस्थिति हो जाता है, आदमी परिस्थित कर लेने से समाज सेवा वंचित हो जाता है, उसका छुआ पानी को नहीं कर पीता है, उसके यहाँ भोजन नहीं करता है, उसको भोजन नहीं कराता है। तो ऐसी जो व्यवस्था थी उसमें प्रायश्चित की व्यवहार देता है। एवं यदि प्रस्तारा सन थी तभी इसको से अधिकृत दिया कि मत पृछत तरी कश्चित् जिज्ञासां कुरुते वा तर्हि कर्तुम् अर्हति। कुत्र अस्ति धीरजः? धीरजः एव जिज्ञासां बाहुल्येन कुरुते। अच्छा, भवद्भिः अत्र प्रतिपादितं न मांस भक्षणे, आपने एक मनुस्मृति के पद्य का उद्धरण देते हुए कहा है कि न मांस भक्षणे दोषः,